हेलो एवरीवन, आज का इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इंडिया, राजस्थान का गोपाल भाई आप लोग को लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और गोपाल भाई इंडिया से स्लोवेनिया कैसे आया, आज का इन्फॉर्मेशन अपना एक्सपीरियंस आप लोग के लिए शेयर कर रहा है। टुडे आई एम गोइंग फ्रॉम ऑस्ट्रिया टू इटली। आज मैं आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ यह ऑस्ट्रिया का जो पार्किंग है, पार्किंग में जितना भी यूरोपियन ड्राइविंग के लिए आता है इधर आप लोग पानी है ना ले सकता है, ये पानी है ना, और जो आप लोग और ड्रिंकिंग वाटर है आप लोग ले सकते हैं, पी सकते हैं, बहुत अच्छा है, इधर का फैसिलिटी ऐसा होता है यूरोप में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आज का इन्फॉर्मेशन है आप लोग को लिए स्लोवेनिया के लिए, और जितने भी नया भाई लोग स्लोवेनिया आने के लिए ट्राई कर रहे हैं आप लोग को लिए हेल्प के लिए मैं वीडियो बनाया। अभी आप लोग को लिए जितना भी इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इंडिया, राजस्थान का भाई गोपाल भाई आप लोग को लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और मैंने जो राजस्थान का भाई गोपाल भाई को मैंने इटली में मिला था और मैंने बात किया, और भाई का ना जो भी एक्सपीरियंस है और स्लोवेनिया में आने के लिए क्या क्या है और उधर के लिए प्रोसेसिंग कैसा होता है और उधर कैसा काम है, आज का जितना भी इन्फॉर्मेशन है हमारा फ्रॉम इंडिया राजस्थान का गोपाल भाई आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और क्योंकि मैं है ना हर भाई लोग हमारा जितना भी एशियन भाई लोग के लिए मैं हेल्प के लिए बनाता हूँ, हमारा नेपाल, इंडिया जितना भी भाई लोग है, पाकिस्तान जितना भी भाई लोग के लिए मैं हेल्प के लिए बनाता हूँ और आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए और थैंक यू। अभी आप लोग है ना जो भी यूरोप में आने के लिए ट्राई कर रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और इसके लिए मैंने भी हमारा जो गोपाल भाई को मिला और स्लोवेनिया में है ना कैसा है उधर का सिस्टम कैसा है और उधर का लाइसेंस के लिए और उधर अप्लाई के लिए कैसा होता है, आज मैंने उससे इंटरव्यू लिया भाई से, और भाई ने आप लोग को लिए भी आप लोग को हेल्प के लिए भाई ने इन्फॉर्मेशन दिया। और सबसे बड़ी बात तो हम लोग है ना जो भी अपना एशियन भाई को लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जितना भी भाई लोग यूरोप में आने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप लोग को लिए भी हेल्प होना चाहिए इसके लिए, और आप लोग का जितना भी आज है ना इन्फॉर्मेशन है हमारा गोपाल भाई आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे और आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने ट्रक ऑलरेडी स्टार्ट किया, अभी मैं आप लोग को लिए ना ऑस्ट्रिया से मैं लेके जा रहा हूँ इटली के लिए। अभी आप लोग देख सकते हैं ये पार्किंग से मैंने पानी लिया, और इधर यूरोपियन है ना ड्राइविंग लाइफ कैसा होता है इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, और बाद में आप लोग जितना भी नया भाई लोग आता है उसके लिए हेल्प होता है। अभी मैंने इधर पानी लिया, अभी जो भी भाई लोग है ना ऑस्ट्रिया में आने के आ रहा है तो ऑस्ट्रिया में आपको पार्किंग है, पार्किंग में आपको पानी मिलेगा और उधर वॉशरूम टॉयलेट हर फैसिलिटी है इधर ड्राइवर के लिए है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप लोग भी अप्लाई करके आ सकता है। क्योंकि मैं हर अपना एशियन भाई लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जितना भी हमारा नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जितना भी भाई लोग है आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग भी जब यूरोप में आएगा तो मेरा वीडियो में आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना एशियन भाई लोग के लिए है ना हेल्प होता है इसके लिए मैं बनाता हूँ आप लोग को लिए हिंदी में बनाता हूँ। मेरा यूट्यूब में ना हर भाई लोग के लिए मैं ज्वाइन करता हूँ, जितना भी भाई लोग है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो फिर नया भाई लोग के लिए हेल्प होता है। आप लोग देख सकते हैं ये ऑटो गोल पेट्रोल पम्प है, मैं कॉफ़ी पीने के लिए आया इधर जो ऑटो गोल गैस स्टेशन में, जब भी आप लोग है ना इधर आके कॉफ़ी पी सकता है, इधर का कॉफ़ी बहुत अच्छा है, आप लोग का जब भी ड्राइविंग करते नींद आएगा तो आप कॉफ़ी पियो बहुत अच्छा है, ये आपका 1.5 यूरो का है, ये आप लोग पी सकते हैं ऐसा होता है ना इधर, इसलिए मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ। इधर का कॉफ़ी ऐसा होता है ना जैसे आप लोग को लिए कभी भी ड्राइविंग करके पार करके आप लोग कॉफ़ी पी सकते हैं, बहुत अच्छा कॉफ़ी है इटली का। आप लोग भी बाद में आके पी सकते हैं, जब आदमी लोग को नींद आता है उस टाइम में बहुत अच्छा है कॉफ़ी। ये इटली का पार्किंग है, मैंने ये पार्किंग में मिला था फ्रॉम इंडिया राजस्थान गोपाल भाई, अभी मैं गोपाल भाई को मिलने के लिए जा रहा हूँ भाई का ट्रक में। आज हमारा दोस्त मिला, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। आपको मिल के बहुत अच्छा लगा, और आपका नाम क्या है? गोपाल। गोपाल या गोपाल 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 हाँ सॉरी
और आप किधर से है? इंडिया? इंडिया राजस्थान से। राजस्थान का भाई को आपको मिला, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग इटली पार्किंग में मिला। और सबसे आप लोग अभी कौन सा कंपनी में आप किधर? मेरा कंपनी है स्लोवेनिया में, मैं फेयर पार्क। ओके, स्लोवेनिया में। स्लोवेनिया में। आज मेरे पहले बार स्लोवेनिया का हम लोग का भाई मिला, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि स्लोवेनिया का मैंने अभी तक कोई भी नहीं मिला था। स्लोवेनिया का प्रोसेस है वो नेपाल का हो इंडिया का हो, पूरा प्रोसेस इंडिया से होता है। इंडिया से होता है। सबसे पहले है ना आपका मैं पूछता हूँ, जैसे स्लोवेनिया के लिए आपने इंडिया से अप्लाई किया ना? इंडिया से अप्लाई किया। सबसे पहले इंडिया से आपने अप्लाई किया था उस टाइम में है ना, और आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उधर इंडिया से अप्लाई करने के लिए? पासपोर्ट चाहिए, ग्लव का लाइसेंस चाहिए और इंडिया का लाइसेंस। ग्लव का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपका किधर का था एक्सपीरियंस पहले? सऊदी का। सऊदी का। आप सऊदी में कितना साल था? मैं सऊदी में था 4 साल। 4 साल। अच्छा है, फिर वो आपका वो लाइसेंस भी चाहिए। उसके बाद आपका इंडिया का लाइसेंस। इंडिया का लाइसेंस। और उसके इंडिया का है, जैसे नेपाल का है तो उसको नेपाल का लाइसेंस। नेपाल का भी चाहिए। सही है। और आप स्लोवेनिया में ना अभी? स्लोवेनिया में। और स्लोवेनिया में आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा उधर? प्रोसेसिंग टाइम तो रहता 4 से 6 महीने का। 4 से 6 महीना? 4 से 6 महीने का। आप जब सोलो इंडिया से ना आप आने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसमें आप थोड़ा बता सकते हैं? वो स्लोवेनिया के लिए? स्लोवेनिया के लिए वही है, पासपोर्ट है, इंडिया का लाइसेंस है, पुलिस का वेरिफिकेशन पीसीसी है। जी। और लाइसेंस वेरिफिकेशन चाहिए? वेरिफिकेशन चाहिए, लाइसेंस भी चाहिए। और जैसे नेपाल से है तो नेपाल की एम्बेसी से वो पोस्टल होना चाहिए। पोस्टल? पोस्टल का जो सील लगता है ना, टप्पा लगता है। जी जी। और इंडिया से है तो इंडिया का पोस्टल होना चाहिए। इंडिया का भी होना चाहिए। और उसके बाद अप्लाई करके कितना महीने में आपको उधर टीआरसी मिलता है ना? स्लोवेनिया में टीआरसी मिलता है, वो भी खुद कैंडिडेट को मिलता है, एजेंट को नहीं मिलता है। ऐसा है। फिर उसके बाद है ना आप जब कितना महीने में आपका कुछ इंटरव्यू होता है उसमें? इंटरव्यू होता है, स्लोवेनिया के एम्बेसी है तो इंडिया में उसमें इंटरव्यू होता है, राइटिंग भी होता है और मॉकिंग भी होता है। राइटिंग और मॉकिंग, ये भी बहुत अच्छा है। स्लोवेनिया में एजुकेशन तो थोड़ा इंग्लिश तो 30-40% चाहिए, फिर इंग्लिश का कितना चाहिए? 40-50% होएगा चलेगा। इतना इंग्लिश चाहिए आपको राइट करने का और स्पीकिंग एमबीसी में? एमबीसी में। उसके बाद आपका फिर? इसके बाद में इधर स्लोवेनिया पहुंचने के बाद में कोड 95 का टेस्ट पास करना पड़ेगा। कोड 95 का। अभी इंडिया का जैसे नया लाइसेंस 2009 के बाद भी? नहीं, जो इंडिया का अगर 2-3 साल पुराना है तो चलेगा। चलेगा। उसमें कोड 95 कैसा है इधर का? कोड 95 इजी है, एकदम इजी है स्लोवेनिया का। ये भी बहुत अच्छा लगा आपसे ना ये बात करके। और स्लोवेनिया में अभी कंपनी कैसा है उधर? अच्छा है ना कंपनी? अच्छा है। कुछ कंपनियां हैं लेकिन उधर स्लोवेनिया में क्या 6 महीने के बाद में चेंज हो जाता है। चेंज कर सकता है। अब उधर सैलरी स्टार्ट कितना होता है उधर जब? 1253 से उधर से स्टार्ट हो गए, बाद में आफ्टर 6 मंथ के बाद है ना? बाद में तो कंपनी देखती है भाई बंदा कितना काम करता है, 1500-2000 है ना। ये भी बहुत अच्छा है। स्लोवेनिया में जैसे रूम है वो कंपनी का है। कंपनी का रूम है, कंपनी का रूम है। अभी लाइसेंस का प्रोसेसिंग तो अभी देखो चालू करेंगे, अभी पूरा मालूम नहीं। सही है, ये भी अच्छा बात है, लेकिन लाइसेंस बना सकता है ना? बना सकता है, एक दो बंदों का बना है जैसे सुनने में आ रहा है, एक दो बंदों का बना है। लाइसेंस के लिए क्या उधर थ्योरी टेस्ट? कुछ नहीं है, जो इंडिया का लाइसेंस है, इंडिया नेपाल गल्फ का, तो उधर से वो लाइसेंस को पोस्टल करवा के मंगाओ इधर, और फिर इधर से एमएससी एक लेटर देगा, वो लेटर लेके उधर जमा कराओ जी, मेडिकल कराओ, हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा बात है ना आपसे ये बात भी, हम लोग का जो भी स्लोवेनिया आने के लिए है ना, जो भी भाई लोग ट्राई कर रहे हैं। आप इंडिया से ना कैसे आया था, कुछ एजेंट से आया या अपना कुछ दोस्त लोग? एजेंसी का कुछ नाम है? डायनामिक एजेंसी से आया ना ये भाई लोग? दिल्ली से, ट्राट में। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आप लोग है ना स्लोवेनिया आ सकते हैं। और स्लोवेनिया का ऐसे एजेंट भी है लेकिन 2-3 एजेंट है ऐसे विश्वास वाले, लेकिन वो पैसे ज्यादा लेते हैं थोड़ा। जी जी जी, ये भी सही है ना। अभी तो आपने तो जो एजेंसी आया आपने तो वही बताया है ना, ये सबसे अच्छा है। और आपको है ना सबसे पहले स्लोवेनिया में भी अभी आने के लिए कैसा है सिस्टम? अभी थोड़ा टाइट है और थोड़ा टाइट हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
लेकिन तो आ रहा है ना आदमी लोग? नहीं, आदमी लोग आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लोवेनिया में 1% भी फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड नहीं है, तो इसका टीआरसी है वो बंदे को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। टीआरसी अप्लाई करके बाद में 2 महीने या 3 महीने के बाद मिलेगा। हाँ। आपको एमबीसी में बुलाएगा? एमबीसी में बुलाएगा जिसने अप्लाई किया उस चीज का। हाँ। नहीं, अपना मेल आईडी लेगा एमबीसी वाला, जैसे बायोमेट्रिक होगा ना जी, उसी टाइम में वो अपना मेल आईडी लेगा, वो फिर जैसे अपने को कलेक्ट का डेट आएगा तो उसमें वो मेल कर देगा। मेल करेगा? हाँ। सही है। और उसके बाद आपको है ना टीआरसी के बाद कितना आप लोग आ सकता है ना? सीधा आ सकता है, बाद में टिकट बनाओ, टिकट बनाओ आ जाओ। और इधर आके आपको 495 और 495 है, और तो बाकी कंपनी बना के देगी। कितना महीना लगेगा आपको जब इंडिया से आए ना? 15 दिन में आपका डॉक्यूमेंट बन गया? 15 दिन में पूरा। फिर आप कितना महीने में, कितना टाइम में आप ड्राइविंग के लिए स्टार्ट किया था? 1 महीने बाद में 7 दिन रहा था दूसरे बंदे के साथ में। 7 दिन ट्रेनिंग लिया उसके बाद में अकेले हुआ। ये भी बहुत अच्छा ना, पोलिंग से बहुत जल्दी है। पोलिंग में आपको 2 महीना तो मिनिमम टाइम चाहिए। नहीं, स्लोवेनिया वाले तो प्रोसेस करता है आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ना, पिंक पेपर और आपका सब कुछ करता है। अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा आपका इन्फॉर्मेशन है। और स्लोवेनिया में आपको है ना, अभी आप लोग पहले सऊदी से काम किया ना, सऊदी में था ना पहले आपको? हाँ, सऊदी में। और सऊदी स्लोवेनिया में आपको कैसा लगा इधर ड्राइविंग? इधर तो अच्छा है, सऊदी से तो अच्छा है इधर। अच्छा है। हाँ। ये भी आपका एक्सपीरियंस है ना, शेयर किया, ये भी बहुत अच्छा है ना। और नया भाई को आप कुछ बोल सकता है इधर स्लोवेनिया आने के लिए? स्लोवेनिया के लिए आओ, लेकिन थोड़ा इंग्लिश की तैयारी करके आओ। इंग्लिश तैयारी करके आओ। और क्या क्या चाहिए इसमें स्लोवेनिया के लिए? उसको नहीं चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ग्लव का चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना, कोई सी भी कंट्री का हो। और जैसे नेपाल का, तो उसका नेपाल का लाइसेंस होना जरूरी है, इंडिया का तो इंडिया का भी जरूरी, पाकिस्तान बांग्लादेश जो भी है ना, लेकिन लाइसेंस अपना ओरिजिनल होना चाहिए। और इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आने का ना? इंटरनेशनल से अभी ड्राइविंग कर रहा है ना आप लोग? इंटरनेशनल से। और ये भी बहुत अच्छा है, जो भी भाई लोग आता है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आपको मिल के ना, आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ओके भाई, वाओ, आप लोग देख सकते हैं ये इटली ऑस्ट्रिया का हाईवे रोड है। आप लोग के लिए दिखाता हूँ, अभी मैं अनलोडिंग के लिए जा रहा हूँ इटली में। आप लोग के लिए अनलोडिंग कैसा होता है मैं अभी दिखाता हूँ। यदि स्लोवेनिया को लागि नेपाली लाइसेंसले पनि काम गर्ने रहेछ, तपाईहरुसँग है एक्सपीरियन्स हुनु पर्यो। तर 2009 भन्दा पछाडिको लाइसेन्सको चाहिँ कोड 95 को चाहिँ 800 युरो लाग्ने रहेछ है। यो चाहिँ आफैले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। म पछि भाइसँग भेटेर डिटेली इन्फर्मेसन बनाउने छु है। नेपाली लाइसेन्सले पनि काम गर्छ, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ एप्लाई गरेर, तर एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनुपर्छ है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा ट्रक है ना, अनलोडिंग हो रहा है। ये वॉकिंग फ्लोर बोलता है, वॉकिंग फ्लोर का अनलोडिंग ऐसा होता है, रिमोट से हम लोग है ना अनलोडिंग करना पड़ता है। ऐसा है इधर का यूरोपियन ड्राइविंग लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।